हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज के वीडियो में आपके लाई हूँ एप्पल की सब्जी। सबसे पहले हम एप्पल लेंगे, एप्पल को छील लेंगे और इसे हम धोकर काट लेंगे इस तरह छोटा छोटा पीस। उसके बाद हम चार टमाटर लेंगे, उसके प्यूरी बना लेंगे हम। अब कढ़ाई चढ़ाएंगे, गैस ऑन करेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे, एक तेज पत्ता डालेंगे और आधी चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे और फिर हम इसमें दालचीनी डालेंगे। ये खड़ा दालचीनी हम इसे डालना है। अब हम इसमें एक टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुना जाए। थोड़ा सा हम इसे पहले भून लेते हैं। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे और इसे भी हम थोड़ी देर तक भून लेंगे। जब साइड साइड से तेल छोड़ देगा मसाला, तो हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तीन हरी मिर्च कटा हुआ डालेंगे, फिर इसमें कटा हुआ एप्पल डालेंगे और फिर इसे थोड़ा भून लेंगे एप्पल को। इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें आधे चम्मच के लगभग इसमें हम काला नमक डालेंगे। काला नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकती हैं। काला नमक से टेस्ट अच्छा होता है, इसलिए बिना लहसुन, बिना प्याज, बिना अदरक का बहुत ही टेस्टी सब्जी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। अब इसमें हम पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। इसे हम ढक देते हैं। दस मिनट हमारा हो चुका है। अब हम इसे देखिए हमारी सब्जी भी तैयार है। हम गैस ऑन ऑफ कर लेते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा धनिया हम इसमें धनिया पत्ती काट के डाल देते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत।